काल को अपने बस में रखने वाला रावण आखिर किससे डरता था? जानिए रावण के बारे में हैरान कर देने वाला रहस्य। वैसे तो हम सब ने रामायण देखी है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे रावण के छिपे हुए रहस्य। आज हम आपको बताएंगे रावण के वो रहस्य जो न तो आपने टीवी पर देखी होगी और ना ही कभी पढ़े होंगे। पौराणिक कथा के अनुसार रावण किसी से नहीं डरता था। बहुत से लोगों का मानना है कि रावण बाली से बहुत डरता था, लेकिन रावण बाली से डरता तो बाली को युद्ध के लिए नहीं ललकारता, क्योंकि बाली को क्या वरदान मिला है जानते हुए भी रावण ने युद्ध के लिए ललकारा। एक बार रावण ने किष्किंधा के राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बाली ने युद्ध शुरू होते ही रावण को अपने कांख यानी बगल में दबा लिया था और तप करने निकल पड़े। वो तप करते करते समुद्र की यात्रा करते रहे और रावण उनकी कांख में दबा रहा। इसी तरह 10 माह गुजर गए तो रावण ने हार मानते हुए बाली से उसे मुक्त करने की प्रार्थना की और मित्रता का प्रस्ताव रखा। रावण बहुत ही साहसी व्यक्ति था और परम वीर भी था। स्वयं भगवान श्री राम बोले थे, रावण जैसे पराक्रमी ज्ञानी न पहले कभी हुआ था और न कभी आगे होंगे। वह परम शिव भक्त था, लेकिन अपने आराध्य भगवान शिव से भी नहीं डरता था। लोगों के ये भी कहना है कि रावण माँ सीता को छूने से डरता था। जब ऐसा था तो रावण विमान में माँ सीता को कैसे बैठाया? त्रेता युग में विश्व विजेता के उपाधि धारण करने वाला रावण केवल नल कुबेर के दिया हुआ श्राप से डरता था। रावण जानता था कि यदि वह माँ सीता को गलत नियत से स्पर्श करेगा तो वो जल कर भस्म हो जाएगा। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।